हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम निमोना बनाएंगे मटर और आलू का। ये देखिए, मटर एक कटोरी, दो आलू, इसमें ढेर सारी लहसुन की पत्ती और धनिया की पत्ती है, एक इंच अदरक है, दो तीन हरा मिर्च है, इसको हम बारीक पीस लिए हैं। आलू इस तरह काट लिए हैं छोटे छोटे पीस में। लहसुन मिर्चा धनिया जो है अलग हम पीसे हैं, और इधर हम मटर पीसे हैं। तो मटर ज़्यादा हमको बारीक नहीं लेना है, दरबरा रहना चाहिए, और खड़ा भी इसमें डाल दिए हैं। तड़का देने के लिए दो बरी लिए हैं और प्याज बारीक काट लिए हैं। ये देखिए, सारी चीज़ें तैयार हैं। अभी हम ये कुकर में बनाएंगे, तो हम कुकर गैस पर रख दिए हैं। कुकर में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अब इसमें हम सरसों का तेल डाल दिए हैं और जीरा डाल दिए, प्याज एक बारीक कटा हुआ डाल दिए हैं। प्याज ब्राउन हो रहा है इस तरीके से। इसमें बरी जो है हम फोड़ के चूर करके डाल रहे हैं। देखिए, अब इसको अच्छी तरीके से चला दे रहे हैं, ब्राउन हो गया है। अब इसमें हरी मटर हम पहले डालेंगे। तो ये देखिए, खड़ी और दरबरी कुटी हुई है, ज़्यादा बारीक नहीं किए हैं। इसको अच्छे से तेल में हम भूजेंगे ताकि इसमें अच्छे से खुशबू आए। ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से भूज रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हम हल्दी डाल रहे हैं, मसाला बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। एकदम ग्रीन ग्रीन सब्जी बनेगी ये। ये देखिए, इस तरीके से मटर भूज गई है अच्छे तरीके से। इसमें जो हम पीसे हुए हैं धनिया लहसुन, इसको हम बाद में डालेंगे ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। तो इसको भी हल्का सा भूजेंगे हम। ये बाद में डालने से धनिया का कलर जो है हरा हरा ही रहता है, पहले डालेंगे तो तेल में उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है, इसीलिए हम बाद में डालते हैं। तो इसको देखिए, इस तरीके से हम भूज लिए हैं। अब इसमें हम आलू ऐड कर रहे हैं, आलू भी डाल दे रहे हैं इसमें। ये देखिए, आलू डाल के और सब्जी को अच्छी तरीके से हम मिला दे रहे हैं। ये देखिए, अब इसको हम ढक देंगे, थोड़ा सा अच्छी तरीके से पक जाए, हल्का हल्का पकड़ने लगा है देखिए। और आलू मटर अच्छी तरीके से भूज गया है, इसमें सोनपन आ गया है, इसको काफ़ी देर हमने पका लिया है। इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि कुकर में बना रहे हैं, तो हम दो कटोरी पानी लिए हैं। कुकर में पानी जलता नहीं है, तो आप पानी का कम ही यूज करिएगा। अब इसमें हम नमक ऐड कर दे रहे हैं। इसका ढक्कन लगा के रख दे रहे हैं। अगर गैस तेज़ है तो 4 सीटी लगाएंगे, अगर गैस धीमा है तो 3 सीटी हम इसको लगाना है हमें, क्योंकि धीमा रहता है तो आराम से पकता है। ये देखिए, हमने 4 सीटी लगा लिया, गैस तेज़ किए थे हम। तो ये देखिए, हमारी हरी मटर की सब्जी किस तरह बन के रेडी हो गई है कुकर में। इसमें ज़्यादा हम पानी नहीं डाले थे, देखिए मीडियम है। ये खिली खिली सब्जी हमारी बन के स्वादिष्ट रेडी हो गई है। इसको हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं। ये देखिए, अच्छी तरीके से पकी हुई है, तो इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। कुकर में हम बनाए हैं। अगर हमारा तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।